हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे YouTube चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हॉर्निंग प्रोसेस के बारे में और साथ में लैपिंग के बारे में बात करेंगे और पॉलिशिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो अपन टोटली डेडिकेट कर रहे हैं हॉर्निंग के बारे में। क्या है भाई ये? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपन एब्रेसिव स्ट्रेस टू फिनिश द इंटरनल सर्फेस ऑफ सिलिंड्रिकल वर्क पीस। क्या करते हैं, जो सिलिंड्रिकल वर्क पीस है, ठीक है, जो वर्क पीस है सिलिंड्रिकल शेप का, उसका इंटरनल जो सरफेस है उसकी काइंड ऑफ घिसाई करते हैं। इसको बोला जाता है हॉर्निंग प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, मींस अंदर का जो डायमेंशन है अगर घिसाई करेंगे तो क्या होगा, जो होल है वो और ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। तो उसको मैच करने के लिए डायमेंशनल एक्यूरेसी वगैरह से काम आता है। आउट ऑफ साउंडनेस, टेपर, डिस्टॉर्शन, डायमेंशनल एक्यूरेसी, नॉन एब्रेडिंग ब्रोंज ग्रेड, एब्रेसिव स्पिंडल, होनिंग स्टिक। होनिंग स्टिक क्या होता है, अंदर डाला जाता है। जैसे मैंने ये क्या, मैं क्या करूंगा, इस छोर से मैं अंदर डालूंगा और इसको घुमाऊंगा, ठीक। ये छोर, ये जो टिप वाला पार्ट है ना, ये जो टिप वाला पार्ट है ये अंदर रहेगा और ये गोल 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 घूमेगा, ताकि क्या होगा भाई, होनिंग का प्रोसेस होगा, अंदर की घिसाई होगी। इसको बोला जाता है होनिंग, ठीक है। क्या है भाई, एब्रेसिव ग्रेन्स आर बॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ स्टिक बाय विट्रियस और रेजिन मटेरियल, एंड स्टिक आर प्रेजेंटेड टू वर्क सो दैट देयर फॉल कटिंग फेस एरिया एंड कांटेक्ट विद वन सरफेस। सिंस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ एब्रेसिव्स आर रिस्पांसिबल फॉर सरफेस फिनिश, रिजल्टेड मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस। वही बोल रहा है कि इसको अंदर डाला जाता है और घिसाई किया जाता है, और क्योंकि यहाँ पर जो एब्रेसिव मटेरियल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो उतना ज्यादा मटेरियल रिमूवल अपने को देखने को मिलेगा। अब मैकेनिकल अरेंजमेंट देखने की बारी आती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हुए चलते हैं। क्या है भाई, ड्राइविंग मोटर है, कॉलम है, बड़ा सा कॉलम रहता है, गाइडवे है, हॉर्निंग हेड है, हॉर्निंग हेड है, स्पिंडल है, हॉर्निंग टूल है, वर्क पीस है, टेबल है। टेबल के ऊपर अपन रखेंगे वर्क पीस, हॉर्निंग टूल को अंदर डालेंगे, स्पिंडल अपना गोल गोल घूमेगा तो अंदर की ये पूरा घिसाई करेगा। इसको एग्जाम्पल देके बताओ, जैसे जैम है, जैम अंदर का, जैम का एक डब्बा है, और जैम जब खत्म हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उंगली से ऐसे निकालते हैं ना। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट बचपन में तो ऐसे ही करते थे कि पूरा डब्बा खाना है भाई अपने को। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं होनिंग। बात खत्म, ठीक। मेथड ऑफ होनिंग, मैनुअल होनिंग या फिर मैनुअल स्ट्रोकिंग, जिसको अपन हाथ से कर सकते हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। और दूसरा पावर, मींस मशीन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन इज डन बाय एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू द मशीन एंड इज बेनिफिशियरली टाइम ऑफ मास प्रोडक्शन यूज। मतलब जहां पर भारी मात्रा में करना रहता है मैनुअली करना है, मींस एक दो करना है तो मैनुअली कर लो, कि भारी मात्रा में करना है तो पावर या फिर मशीन की आपको जरूरत पड़ेगी। होनिंग कंडीशन किस मात्रा में होता है, स्पिंडल स्पीड डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द होन। स्पिंडल स्पीड पर भी डिपेंड करता है होनिंग प्रोसेस। लैपिंग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी बात करते हैं होनिंग के। नोट्स बनाते चलना भैया, ठीक है। चॉइस ऑफ स्पिंडल स्पीड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो स्पिंडल की स्पीड होगी ना, जो गोल गोल घूम रहा है स्पिंडल, जो होनिंग प्रोसेस कर रहा है उसकी स्पीड कई मात्रा पर डिपेंड करेगी, कई चीजों पर डिपेंड करेगी। जिसमें आता है मटेरियल बीइंग होन्ड, किस मटेरियल पे आप जो होनिंग प्रोसेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, उस मटेरियल के हार्डनेस पर डिपेंड करेगा, कितना सर्फेस फिनिश चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फाइनल रिक्वायरमेंट कैसा चाहिए उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर है रेसिप्रोकेटिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द वर्क पीस, रेसिप्रोकेटिंग स्पीड, ठीक है। अगला है क्रॉस हैच एंगल डिनोटेड बाय 2α, 10α। रेसिप्रोकेटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय रोटरी स्पीड इन मीटर पर मिनट। इन प्रैक्टिस क्रॉस हैच एंगल में वेरी फ्रॉम 20 डिग्री से 45 डिग्री। होनिंग प्रेशर इट वेरीज फ्रॉम 10 to 32 kg kgf डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सारे फैक्टर पर ये सब होनिंग प्रोसेस डिपेंड करता है। तो होनिंग मुझे लगता है बेसिक आपने समझ गया होगा। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे लैपिंग, होनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कुछ भी पूछ लेना यार, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी बता देना। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा मुझे जरूर बताना नीचे कॉमेंट में। मिलता हूँ भैया आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।